हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस पार्ट 23 ऑफ एग्रीकल्चर करेंट अफेयर पिछले कुछ दिनों में वीडियोज हैं वो काफी स्लो रेट के ऊपर आई हैं देर आर सम रीजन फॉर दैट आई नॉट गो इंग टू द डिटेल्स बट डेफिनेटली विल ट्राई टू बी कंपनसेटिंग दैट कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज और कुछ थोड़ा स्पीड से अब वीडियोज को uh, डालेंगे आई नो कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आप भूल गए हो कि IBPS, AFO का पेपर भी है। आई uh, है।, है। बस कुछ सिचुएशन uh, ऐसे थे कि आई कुड नॉट गो इन टू द नोटिफिकेशन डिस्कशन एंड ऑल और अब मैं उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है जिन्होंने पेपर देना है वो अभी तक नोटिफिकेशन वो कर चुके होंगे खत्म तो पार्ट ट्वेंटी थ्री एग्रीकल्चर करंट अफेयर का बेटा फटाफट से शुरू करेंगे एंड नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है जिसके अंदर प्लस एमसीक्यूज हैं काफी अच्छे एमसीक्यूज हैं अगर आप आईबीपीएस का पेपर दे रहे हो तो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है अभी उसके ऊपर यू जस्ट हैव टू यूज द कोड हैप्पी फिफ्टी चलिए फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे एंड हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन द फोर्टीन वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो दो 23 में कंडक्ट होगा ये कहां पर कंडक्ट किया जाएगा 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 वाला कहां पर होगा ऑप्शंस हैं आपके पास ये आपके सामने इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका मलेशिया नन ऑफ दी अबव टेस्ट की तरह इसको सॉल्व करें पहले अपने आप से वीडियो को पॉज करके आंसर करें अगर नहीं आता तो ब्लैंक छोड़ें वहां पर ताकि जब लास्ट में आप देख कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए इंडिया के अंदर ये फोर्टींथ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस होगा दो में ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था आपको ये नंबर भी याद होना चाहिए फोर्टींथ है ठीक है वो ये पूछ सकता है कि यार 2023 के अंदर एक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस होनी है इंडिया के अंदर होनी है ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कौन सा एडिशन होगा इस तरीके से भी वो क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है तो अपने को तैयार रहना है उसके लिए उसके इसमें आंसर हो जाएगा फोर्टीन ठीक है जी तो फोर्टींथ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली स्पाइस सेक्टर का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक तरह का बिजनेस प्लेटफॉर्म ये रहता है और इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा इसको ऑर्गेनाइज करेगा जी जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है एंड इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ट्रेड और एक्सपोर्ट फोरम्स जो है इसको अंदर काम करेंगे एंड इसकी जो लोकेशन है जहां पर ये कंडक्ट किया जाएगा ये कन्वेंशन कौन, सेंटर वगैरह सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसको आप इग्नोर कर सकते हो सिर्फ सिटी का नाम याद रख लीजिए मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और फेबर 2023 में ये शेड्यूल्ड है और थीम भी इसका इंपॉर्टेंट है थीम के ऊपर से भी डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकता है थीम इसका है विजन ट्वेंटी थर्टी और स्पाइसिस इसमें बेसिकली किस लिए स्टैंड करता है सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी इनोवेशन कोलेबोरेशन एक्सीलेंस एंड सेफ्टी तो ये स्पाइसेस की फुल फॉर्म है तो बेसिकली ये वर्ल्ड कांग्रेस में चार पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं इंडिया के अंदर होना है 14th है इंडिया में कहां पर होना है मुंबई में होना है और थीम याद रखना है सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 ट्वेंटी टू एशियाज लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट वॉज इनोग्रेटेड इन एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट अक्टूबर महीने में कहां पर इनोग्रेट हुआ था एग्रीकल्चर के लिए डायरेक्ट रेलिवेंस इसकी रहती है ठीक है क्योंकि बायोगैस प्लांट के अंदर एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको भी ट्रीट करने की हम बात करते हैं स्पेशली एनिमल वेस्ट ठीक है जी तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी और न्यू डेली में से सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन बी पंजाब के अंदर ये एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है अक्टूबर दो में इनोग्रेट हुआ था ओके okay. सो दिस टेड बाय यूनियन मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है ही इनगरेटेड दिस और ये संगरूर में हुआ था पंजाब के एंड इसके अंदर एफ डी आई इन्वेस्टमेंट भी है 220 करोड़ रुपए का जो वर्बियो एजी नाम की एक कंपनी है जो जर्मनी की एक लीडिंग कंपनी है और इसको बेसिकली सरकार का एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इस इनिशिएटिव के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया है तो क्या क्या याद रखना है पंजाब के अंदर है संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनोग्रेट किसने किया था कई बार वो इस तरह का सवाल भी पूछ लेता है कि हु इनोग्रेटेड इट ऑप्शन में एक तो प्रधानमंत्री का नाम दे देंगे एक होम मिनिस्टर का नाम दे देंगे पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम दे देंगे हर्षदीप सिंह पुरी का नाम दे देंगे नन ऑफ दी अब तो वो भी आपको याद रखना है ठीक है कि किसने इनोग्रेट किया था और ये भी थोड़ा सा याद रख लेना की वर्बियो एजी जो जर्मनी की कंपनी है उसकी एफडीआई इसमें लगी हुई है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ कुंगाली ये बेटा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है आप जानते हो इंडिया के अंदर हार्वेस्ट फेस्टिवल क्योंकि हमारी कंट्री क्या है एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का एक वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन है हमारी मेजर पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में है ठीक है तो एग्रीकल्चर के हार्वेस्ट फेस्टिवल स्वइंग फेस्टिवल अलग अलग एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स जो है वो पूरे देश भर में सेलिब्रेट किए जाते हैं मैं ना आपको एक लिस्ट भी दूंगा ठीक है मैं आपको एक लिस्ट दूंगा एक लेक्चर में इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं जितने इंडिया के एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स है ना अलग अलग स्टेट्स के अंदर उसकी मैं आपको आ, लिस्ट बना करके दे दूंगा तो कोंगाली ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का असम उड़ीसा कर्नाटका झारखंड या नन ऑफ दब वट विल बी द राइट आंसर द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन ए असम असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है कुंगाली तो कोंगाली की बात करें तो कोंगाली को काटी बिहू भी बेसिकली हम बोलते हैं एनुअल एक फेस्टिवल है असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है और वन ऑफ द थ्री मेजर फेस्टिवल्स है असामिस पीपल का इसके अलावा दो और बिहू सेलिब्रेट किए जाते हैं एक है भोगाली बिहू या जिसको माघू बिहू कहते हैं जो जनवरी मंथ में सेलिब्रेट होता है और एक होता है रोंगाली या बुहाग बिहू जो अप्रैल में सेलिब्रेट होता है ये भी एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डीबीयू जो रिसेंटली न्यूज में था डीबीयू स्टैंड फॉर ऑप्शन ए डायरेक्ट बेनिफिट यूजर ऑप्शन बी डिजिटल बैंकिंग यूनिट सी डिजिटल बैंकिंग अंडरटेकिंग डी डिजिटल बैंकिंग अपग्रेड ई नन ऑफ दी दब ओके तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखूंगा ठीक है एंड द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन बी डिजिटल बैंकिंग यूनिट तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 16 2022 को प्रधानमंत्री ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इनॉग्रेट किया ठीक है ये डीबीयूज का जिक्र पहले बजट के अंदर भी आया था निर्मला सीतारामन जी ने बोला था कि 2023 के बजट में उन्होंने क्या बोला था कि हम 75 फाइव इज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हुए सेवेंटी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को ओपन करेंगे ठीक है अब ये जो डीबीज या डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोले गए हैं ये बेसिकली भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक और बाकी के पार्टिसिपेटिंग कॉमर्शियल बैंक्स कॉमर्शियल बैंक्स अपार्ट फ्रॉम आरआरबी पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक ठीक है जिनके पास पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है ऐसे कॉमर्शियल बैंक्स जिनके पास पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनको परमिशन दी है कि आप डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोल सकते हो टीयर वन से टीयर सिक्स सेंटर्स में ठीक है जी अब इसके अंदर बेसिकली है क्या ये एक तरह का फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट होगा या हब होगा जहां पर मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ताकि बैंक के जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जहां पर प्रॉपर बैंक की ब्रांचेज अवेलेबल नहीं है या जिन एरियाज में प्रॉपर बैंक की ब्रांचेज अवेलेबल नहीं है रूरल एरियाज के अंदर वहां पर ये मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम होगा कि ये जो बैंक के डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सके तो एक तरह से रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि ये अनकवर्ड एरियाज के अंदर बैंकिंग सर्विसेज क्रिएट करने में हेल्प करेगा ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन सो फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों आपका तिराई एलिफेंट रिजर्व विल बी स्टैब्लिश एज द डैश एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया अक्टूबर के महीने में बोला कि यार एक नया एलिफेंट रिजर्व बना रहे हैं तिराई एलिफेंट रिजर्व ये इंडिया का भारत का कौन से नंबर का एलिफेंट रिजर्व होगा ठीक है ट्वेंटी थर्ड थर्टी थर्ड फोर्टी थर्ड फिफ्टी थर्ड नन ऑफ द अब तो अक्टूबर से पहले अगर किसी को याद है कि हाँ यार इतने एलिफेंट रिजर्व थे इंडिया में तो वो इजिली आंसर कर देगा द राइट आंसर का इजेज ऑप्शन बी थर्टी थर्ड ये हिंदुस्तान का जो तेराई एलिफेंट रिजर्व है थर्टी थर्ड एलिफेंट रिजर्व इंडिया के अंदर बनेगा तेराई एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेराई एलिफेंट रिजर्व कहां पर है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है ओके और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर ही जितने भी एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर होते हैं सारे प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर ही आते हैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इन अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंचुरी फॉर स्लेंडर लॉरेसिस इन द कंट्री इनग्रेटेड स्लेंडर लॉरेसिस के लिए हिंदुस्तान में पहली सेंचुरी डेडिकेटेड सेंचुरी जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो इनग्रेट हुई है कौन सी स्टेट के अंदर कर्नाटका गुजरात तमिलनाडु आंध्र प्रदेश नी अब अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट कई बार आईबीपीएस एफ में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन सी तमिलनाडु तो स्लेंडर ये आपको इस तरह का ये एक एनिमल होता है और तमिलनाडु ने बेसिकली पहला स्टेट बना है हिंदुस्तान में जिन्होंने इन पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए एक फर्स्ट सेंचुरी डेडिकेट किया है और ये आई यूसी में एक एंडेंजर्ड एनिमल की लिस्ट में आता है सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ थ स्टेट इन इंडिया बिकेम द सेवन स्टेट इन अक्टूबर टू अचीव हंड्रेड परसेंट हाउस होल्ड अंडर जल जीवन मिशन सातवी स्टेट अक्टूबर महीने में कौनसी स्टेट इंडिया के अंदर सातवीं स्टेट बनी जिसको जल जीवन मिशन के अंदर हंड्रेड परसेंट जो है कनेक्शन मिल गए हैं झारखंड आसाम गुजरात महाराष्ट्र अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है द राइट आंसर ओवर हेयर विल बी ऑप्शन सी गुजरात गुजरात जो है सेवंथ स्टेट बन चुका है अक्टूबर के अंदर एथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ एर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है इन्होंने एक स्टेट के साथ मिलकर के ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है ट्री कवरेज को बढ़ाने के लिए U.S.A.I.D. ने किस स्टेट के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम in शुरू किया ये आपका सीधा सा सवाल है तो द राइट आंसर ओवर एयर बी ऑप्शन डी असम। असम के साथ मिलकर के ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम जो है ये यूएसएआईडी ने शुरू किया है ताकि असम स्टेट के अंदर फॉरेस्ट कवरेज को इंक्रीज किया जा सके नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फटाफट से To sugar mills for and of विद इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि हम पेट्रोलियम के साथ ना इथेनॉल की मिक्सिंग करेंगे क्योंकि इथेनॉल एक क्लीनर फ्यूल है तो पोल्यूशन कम करने के लिए अब इथेनॉल का एक मेजर सोर्स है शुगर के ठीक है तो ये बेसिकली स्कीम जो है स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इसका काम क्या है ये शुगर मिल्स को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव कर सके एथेनॉल की प्रोडक्शन कैपेसिटी को ये स्कीम को एक्सटेंशन मिला है अब ठीक है तो इस स्कीम को किस डेट तक के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2021 बी थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन सी थर्टी एट जून ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी अब विल बी द राइट आंसर ओके सो इस स्कीम को बेटा एक्सटेंड किया गया है टिल थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक का एक्सटेंशन इसको सॉरी दो हजार इक्कीस नहीं है बेटा ये दो हजार बाईस है इकतीस मार्च दो हजार बाईस दो हजार तेईस 2023 होना चाहिए 31 मार्च 2023 तक का एक्सटेंशन मिल चुका है okay, so news में इसी वजह से था क्योंकि स्कीम for extending financial assistance को 31 मार्च 2023 तक कर दिया है किसने डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने स्कीम की बात करें तो स्कीम पहली बार 2018 के अंदर अनाउंस हुई थी और ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो शुगर या जो शुगर हैं कैसे सरकार उनको हेल्प करे ताकि वो सब्सिडी प्रोवाइड करके ताकि वो एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके जो भी स्कीम के अंदर बेनिफिशियरीज हैं यानी कि जिनको इस स्कीम के अंदर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी उनको अपना प्रोजेक्ट ढाई साल के अंदर अंदर खत्म करना पड़ेगा जब बेसिकली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको मिल जाएगी ना लोन की उस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट से ढाई साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट खत्म करना होगा ये ढाई साल वाला पीरियड थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आ जाइए टेंथ और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर इस पर्टिकुलर लेक्चर के रितु भरोसा केंद्रा ये किस स्टेट की स्कीम है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन ए तेलंगाना बी तमिलनाडु सी आंध्र प्रदेश डी कर्नाटका इन e. ऑफ दब so सो द right राइट आंसर ओवर हेयर गाइज इज ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ऋतु भरोसा केंद्रा आंध्र प्रदेश की स्कीम है सो बेसिकली ये एक तरह का वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है आंध्र प्रदेश के फार्मर्स को जिनको भी कोई फार्मर्स को प्रॉब्लम है या कोई नीड है ठीक है वो इस केंद्रा पे आ सकते हैं वो फार्म इक्विपमेंट्स को हायर कर सकते हैं परचेज कर सकते हैं अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं जो भी मार्जिनल स्टैंडर्ड प्राइस है उस स्टेट का ठीक है उसके अलावा सॉइल टेस्टिंग रिकमेंडेशंस लेनी है कि कौन सी क्रॉप सो करनी है कितना फर्टिलाइजर यूज करना है तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है फार्मर्स इस रितुरे भरोसा केंद्र से ले सकते हैं तो बेसिकली आंध्र प्रदेश की स्कीम है ये याद रखना एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई होप आप लोगों को मजा आया होगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें अगर शेयर कर सकते हैं कहीं पर चैनल को वीडियो को किसी भी आपके ग्रुप में फेसबुक फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ तो जरूर करें इट विल बी अलॉट ऑफ एंकरेजमेंट And we'll see you in the next lecture, guys. Till then, take care and bye.